डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका अपना पहाड़ी भाई इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टर के घर। तो यार बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। और तो अभी सुबह के बजे हैं 6, तो अभी लग रहा है कोहरा। मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, फिर मिल। तो दोस्तों ये रहा नज़ारा सुबह सुबह 6 बजे का। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अभी कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा मेरा मकान। अब चलते हैं बाइक के पास, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। कल किसी ने टायर में, तो यार पहले बाइक के टायर में किसी ने चाकू मार दिया था। कल मैंने वो खोला और उसको उसका ट्यूब निकाला, फिर मैंने उसके अंदर से पुराना ट्यूब डाला, उसको सही किया। तो अभी फिलहाल जाने के लायक हो ही गया। मुझे फिर भी डर लग रहा है थोड़ा बहुत, ख़राब रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए। देखते हैं, आपको दिखाते हैं बाइक। रात को बारिश लगी हुई है और सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही है, और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो। दोस्तों ये रही गाड़ी, इसके पीछे के इंडिकेटर ख़राब हो गए थे, मैं लेके आया दूसरे लगा दे, आगे के मैंने अभी लगाए नहीं, बाद में लगाऊंगा, ख़राब हो रहे हैं। और हॉर्न भी लेके आया था, हॉर्न मैंने लगाया पर ये बज नहीं रहा, ये नया हॉर्न, और इंडिकेटर ख़राब हो रहे हैं। ये रही मेरी गाड़ी सुजुकी सीलिंग शॉट। तो यार टायर में किसी ने चाकू मार दिया था, अभी तो फिलहाल तिरछे स्टैंड में है, गियर में लगा रखी है, बाद में दिखाऊंगा आपको। तो कल मैंने सही किया और आज इसको लेके जाऊंगा, देखूंगा कहीं रास्ते पर धोखा ना दे दे। तो दोस्तों ये है गाड़ी, और ये है मेरे घर के आगे सब्जी लगा रखी है पापा ने, तोरिया कद्दू लौकी जो भी है आजकल सब्जी जो भी मिलती है सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों ये रखे मम्मी ने खीरा, अपने घर में लगे हुए थे खीरा, और ये लौकी, ये साड़ी और ये मिठाई, और ये मेरे दो बैग हैं, इनको लेके जाऊंगा। तो दोस्तों मम्मी ने भर दे ठस से भर दे जल, ये हम जल सब भरे न। अब बाइक जड़ भाई अगले ही कहा पहले जून देख देखा ना आप क्या पहन में क्या बात हुआ। एक पहन में तो यार कच्ची रोड है, चढ़ाई है, ले जाने जाने में दिक्कत होगी, फिर भी कोई बात नहीं, आदत है लेके जाऊंगा। अब मिलते हैं सीधे बाइक के पास। मम्मी लगा रही टीका, ठीक रहा थोड़ा लंबा लग लगा आए घर दे जाने दे गए बची। लगा दिया टीका। ओ मैं निकला गढ़ लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया क्या। हाँ तो निकल पड़ा दोस्तों मैं घर से बैग वैग लेके, परदेसी पंछी मैं तेरी गाँव में।
तो यार दिक्कत होगी मेरे को, ऐसा लग रहा है बाइक में ले जाने में, फिर भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भद्रावती नदी के ऊपर, यही मेरे को उस पार जाना है, तो बीच में रोड खराब हो रही, देखता हूं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं। और यह है यहां की रोड, यह है मेरी बाइक। तो यार बाइक की टायर कल मैंने निकाला ट्यूब घर पे, मुझे ऐसा लग रहा है पंचर होगी, सुबह मैंने इसमें हवा भराई, शायद पंचर होगी। अब वहीं जाके बनकोट जाके सही कराऊंगा। तो यार मैं बनकोट पहुँच चुका हूँ और गाड़ी पूरा मिट्टी से एकदम लाल हो गए, और मेरे कपड़े, ये रहे मेरे कपड़े, पूरा मिट्टी लग गई। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, गार भद्रावती नदी में मैं बना नहीं पाया वीडियो, तो वहाँ से गाड़ी कैसे निकालो करके इस वजह से मैं बना नहीं पाया। तो यहाँ से एक दो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर साइड का, बने रहे ब्लॉग में, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों बनकोट से दिखता है अपने घर की तरफ ये नज़ारा, अपना घर वो उधर है सामने, इधर है। तो अभी कोहरा लग रखा है, बारिश आने वाली है, बादल एकदम काले हो रहे हैं। यह है बनकोट की रोड, अभी मेरे को बहुत दूर जाना है। अब मैं आपको कहीं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, अब जाऊंगा मैं सीधे अपने बहन के घर, वहीं मिलूंगा, वहीं बनाऊंगा वीडियो और सबसे मिलाऊंगा। ओके गाइस, मिलते हैं, ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखें। यार मैं पहुँच चुका हूँ, ये है भांजे मेरे छोटे छोटे, आई बोल। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? गाड़ी कैसी लगी तुमको? अच्छी है ना? हाय बोल, हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो? इसका नाम है करण, वो है लक्षित। रहे दो भैंस, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और मेरी बहन सामने, ये रही गोबर निकाल रही है, और ये है दो भांजे मेरे करण एंड लक्षित। अरे मत, ये ले तेरी खींच ली फोटो मैंने।